क्या आपका हाल भी मेरे जैसा है कि अंत में आते आते सारा पैसा खत्म हो चुका हुआ है? तो क्या आपकी भी यही आदत है कि जैसे ही आप मार्केट में जाते हो आप ओवर स्पेंड कर देते हो? तो अगर ऐसा ही है तो विदाउट रियलाइजिंग यू हैव फॉलन फॉर द डिकॉय इफेक्ट। अब जैसे आप दुकानदार में कोई कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, यू हैव टू ऑप्शंस, 10 एंड 30 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है, 10 ज़्यादा रीजनेबल लगता है, पर भैया बोलता है भाई हमारे पास एक 50 वाली बॉटल भी है। पर 50 की कंपैरिजन में आपको 30 भी क्या है सस्ता लगता है, एंड यू ऑप्ट फॉर दी 30। क्या आपने अपने नॉर्मल बजट से ज़्यादा स्पेंड किया? हाँ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप डिकॉय इफेक्ट में फंस चुके हैं। तो जो 50 वाला ऑप्शन है वो डिकॉय ऑप्शन बन जाता है जिसको आप छोड़ते हो, और जो 50 है वो डिकॉय प्राइस बन जाता है। वेरस आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं मील प्लान में, आपको 80 वाला प्लान क्या है पहले महंगा लगता है, पर जैसे ही आपको 85 के साथ कॉम्बो प्लान दिखाया जाता है आपको वो रीजनेबल लगता है, ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है उस चीज़ में। तो आप क्या है, 80 वाले प्लान को छोड़ देते हो, तो दोबारा से आप डिकॉय इफेक्ट में फंस चुके हैं। तो डिकॉय इफेक्ट अल्टीमेटली क्या करता है, आपको ओवर स्पेंड करने में मजबूर करता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।